हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड वेलकम बैक टू एनिमरल्स। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो फिलहाल आज है हमारा 20th ब्लॉग। होपफुली आप सभी को हमारे ब्लॉग बिहाइंड द सीन काफी ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कौन कौन से एपिसोड आप सभी को देखने के लिए मिल गए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिम स्टोरी की। एनिम स्टोरी पे आपको नागिना का एपिसोड देखने के लिए मिल चुका होगा। अब आप में से जिन लोगों ने अभी तक नागिना की सीरीज ही नहीं देखी है, उसके एपिसोड नहीं देखे हैं, तो जाइए जाके एनिम स्टोरी पे, वहां आपको नागिना की स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आदि पुरुष की। मैंने कहा था आपको आदि पुरुष का एपिसोड नंबर 3 देखने के लिए जल्द ही मिलेगा, बट किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई है। होपफुली आप सभी को जल्द ही आदि पुरुष का अगला एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लव सिटी की। लव सिटी भी आप सभी के लिए छोटी माँ का एपिसोड डल चुका है। हो सकता है आप से ज्यादातर लोग वो एपिसोड देख चुके होंगे, लेकिन अभी भी जिन लोगों ने छोटी माँ की सीरीज का एपिसोड 1 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, तो जल्दी से जाइए लव सिटी पे और हमारी नई कहानी को फॉलो कीजिए, उसको लाइक कीजिए और देखिए हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आज कौन सा एपिसोड आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बता देती हूँ, आज जो है अंजाम की पूरी सीरीज को कंबाइन करके डाला जाएगा, यानी कि आप बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरी कहानी को आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो जिस किसी ने भी अंजाम की स्टोरी नहीं देखी है, ये दोबारा उसको देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आज आपके लिए कंबाइंड स्टोरी डलने वाली है, तो उसे जाके जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काका टीवी की। काका टीवी पे आप सभी को घर घर की कहानी का एपिसोड नंबर 2 देखने के लिए मिल चुका होगा। अब आप में से जिस किसी ने भी कहानी को फॉलो नहीं किया है, सबसे पहले जाइए एपिसोड नंबर 1 देखिए, देन आपको एपिसोड नंबर 2 देखने के लिए मिल जाएगा। होपफुली कहानी काफी ज्यादा अच्छी जा रही है, आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सब बात करते हैं कि आपको कौन सा एपिसोड आगे देखने को मिलेगा काका टीवी पे। फिलहाल जो है घर घर की कहानी का एपिसोड नंबर 3 अभी बन रहा है, मैं आपको अभी बिहाइंड द सीन में दिखाने वाली हूँ। जैसे ही वो डलेगा आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी और सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरर सिटी की। हॉरर सिटी पे आपको बहुत सी डरावनी कहानियां देखने के लिए मिली होगी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए जाके हॉरर सिटी पे और देखिए हमारी नई नई कहानियां। और नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी स्टोरी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगी हॉरर सिटी पे। तो कार्गलिस नाम की एक स्टोरी बनाई गई है, हॉरर है काफी ज्यादा, तो आप सभी को वो भी कहानी जल्द ही हमारे हॉरर सिटी पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो अगर आपको डरावना एक्सपीरियंस करना है तो हॉरर सिटी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो यहाँ होता है हमारा अपलोडिंग सेक्शन की बातें खत्म, तो चलते हैं अब हमारे कमेंट सेक्शन पे और देते हैं हमारे सब्सक्राइबर को उनका जवाब। सो अब बात करते हैं हमारे पहले कमेंट की तरफ से। पहला कमेंट हमारे पास आया है समायरा नवाज की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है छोटी माय से बेस्ट हो गई। सो अच्छा लगा जान के कि आप सभी को हमारी कहानी काफी ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए आपने कॉमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब बात करते हैं हमारे दूसरे कमेंट के। दूसरा कमेंट हमारे पास आया है मिस्टर बाटू की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है आदि पुरुष का एपिसोड 3 कब आएगा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज एपिसोड 3। तो आप सभी को आदि पुरुष का एपिसोड नंबर 3 जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। सो होपफुली आप सभी के लिए जल्द ही वो एपिसोड डाला जाएगा। आपने कॉमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब आ रही है हमारे तीसरा कमेंट पढ़ने की। तीसरा कमेंट हमारे पास आया है शिव पासवान की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है दीदी मुझसे आपको कुछ सवाल पूछना है, फ्राइडे सैटरडे को कहानी क्यों नहीं डल गया एनिम स्टोरी लव सिटी काका टीवी और हॉरर सिटी पे। सो किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से सैटरडे संडे को कहानी अपलोड नहीं हो पाई है। होपफुली जो कहानी उस दिन अपलोड होनी थी वो आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए आपने कॉमेंट करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ खत्म होता है हमारा कमेंट सेक्शन। चलिए अब चलते हैं बिहाइंड द सीन की तरफ और देखते हैं कि आपकी कहानी कहाँ तक पहुंची है। तो सबसे पहले आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है छोटी माँ का एपिसोड जो है एनिमेशन हो रहा है, जहाँ पे आपको कसक दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो है बहुत कुछ आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। एपिसोड 1 और 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाइए लव सिटी पे, आप सभी को ये कहानी देखने के लिए मिल जाएगी। होपफुली आप सभी को ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए जाइए जाके लव सिटी पे और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी घर घर की कहानी में, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि पायल जो है अपनी बड़ी बहन प्रीति से बात कर रही है, उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है जिसमें उसकी बड़ी बहन रोती हुई दिखाई दे रही है।
तो आखिर ये रो क्यों रही है, ये तो आपको इस एपिसोड देखने के लिए बाद ही पता चलेगा कि आखिर आगे की कहानी में क्या होने वाला है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपको काका टीवी पे ये एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। सो नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आदि पुरुष का एपिसोड नंबर 4 जो है एनिमेशन हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कई बड़े महाराजाओं का स्वागत किया जा रहा है, यानी कि सीता स्वयंवर का सीन जो है एनिमेशन हो रहा है। तो आप सभी को अगर ये एपिसोड देखना है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जल्द ही आपको ये एपिसोड भी देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक थंबनेल तैयार हो रहा है जो आपका बन रहा है गोरी सास वर्सेस काली बहू का, तो जल्द ही आपको ये कहानी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो जल्द ही आपको ये कहानी भी कंबाइंड स्टोरी एक साथ देखने के लिए काका टीवी में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आप इस थंबनेल को देखिए, ये जो है आदि पुरुष का थंबनेल बनाया जा रहा है जिसमें आपको भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता देखने के लिए मिल रहे हैं। एक बाग का सीक्वेंस है जिसमें शायद आप सभी को पता ही होगा श्री राम जी माता सीता से वहीं मिले थे, तो उसी का है। जल्द ही आपके लिए आने वाली है आदि पुरुष, तो देखते रहिए एनिम स्टोरीज। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का ब्लॉग। आप सभी को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए एनिम राज के साथ।